हम लोग लेकर आए हैं एक न्यू चूल्हा। अब्बू जान को मिल गई थी घर से धमकी अम्मी जान से कि अगर न्यू चूल्हा नहीं लेकर आए तो ईद वाले दिन रोटियां नहीं पकनी। और लास्ट वीडियो पे इतने कमेंट आए कि जे भाई शीशे वाला चूल्हा नहीं लो, जब ये गर्म होता है तो ये शीशा फट जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं ये चूल्हा चेंज करवाने, शीशे वाला चेंज करके स्टील वाला लेकर आएंगे। अब चूल्हे को वापस पैक कर रहे हैं। सामने तुहाड़ा 200-300 कमेंट फार आ गए, बस दो बुढ़िया कह गई ने भी आज चूल्हा ना फट जाना, मेरी फलानी रिश्तेदारी ने लिया ही शीशा सारा टूट गया, चूल्हा खराब हो गया। मतलब 200-300 कमेंट एक पास, बस दो बुढ़िया जी कह गई ने मेरी कहते ने चलो परता के लिया टूट जाना जे। चल बार भी जल्दी कर रहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाले फिर चूल्हा चेंज करने? चाले जी। अब जान को पाजी घर से डर भी है ना भाई, आपको भी होगा थोड़ी देर के बाद। अंजी कहने रहना है, अंजी कहने कहने लंघ जानी सारी, कहने पुत्र मारी आ जानी। भाई देव जी, हाँ जी, देख गाना चूल्हा लेके आइए। क्यों देख गाना से की करना घर इन जी हे अगे देख जी पग दी रोटी। लो जी चूल्हा ला के दुकाने पर गए। अब हम लोगों ने ये वाला चूल्हा लिया स्टील वाला, शीशे वाला चूल्हा चेंज करा के स्टील वाला ले लिया, तो ये है भी प्यारा और ये रहेगा भी सही। माशाल्लाह ये वाला चूल्हा ना दूसरे चूल्हे से लग भी प्यारा रहा है, और ये देखना इसकी आग भी ज्यादा है उससे, और ये मेरी पसंद का चूल्हा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस वक्त लोडे वाले का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और सूरज चाचू फुल गुस्से में है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। सियालकोट दो काम है, एक हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजान के दोस्त हैं, उनके ना कान में एक मशीन लगती है वो खराब हो गई, उनको ना सुना बिल्कुल नहीं जाता। मेरा प्लान है कि आज मैं उनको एक गिफ्ट ला के दूंगा, वो जो मशीन होती है ना सुनने वाली वो ला के दूंगा एक गिफ्ट। दूसरा मावी ने लेना है अपना कुर्बानी के लिए बकरा, चाचा भी आ गया जो तू जिन्होंने मशीन ला के देनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कम करन लग पिए दो लैंडियां नवीं लिया दी आज, तो मैं नवी लैन चला हां, दो लिया दी ने, चलो ईद लंग जाएगी। मैं क्या ये वे पे कड़ी मुड़ी खराब हो जानी, एक काम तो खत्म हो गया, दादाजान ने किसी और से मशीनें मंगवा ली हैं, दो मंगवाई हैं, कहते हैं हूं लंबा ही काम चलेगा। मावी भी इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। मावी ने लेना अपना कुर्बानी का बकरा, तो अभी फिर वो लेने चलते हैं। चलिए फिर। हां जी चलिए। चल थोड़ा जा। अस्सलाम वालेकुम। लिया कुर्बानी का बच्चा लिया, वो तो बजा ही वेली बच्चा, जा वे जा के बजा वे, क्या तेनू गोश्त लगेगा, तू ना टेंशन ले, ओके घर को एक शरत से गोश्त लगेगा, ईद वाले दिन आएगा फिर ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बात है? बाकी बात है। चले फिर। चले। मावी बकरा लेने के लिए ना अकेला जा रहा है, क्योंकि इसने घर पे सरप्राइज देना, तो इसलिए ये अपनी बाइक भी नहीं लेकर आया, तो हम लोग राजे पे जा रहे हैं, फिर बकरा लेकर राजे के अंदर रखेंगे और ले आएंगे, फिर आके जी सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे घर वालों। बकरा लेने जाने से पहले ना अबू जान पैसे निकलवाने जा रहे हैं एटीएम से, क्योंकि मावी घर से पैसे नहीं लेकर आया, इसने सरप्राइज देना ना, तो पैसे फिर अबू जान को ये बाद में दे दे। ओके करो। ये देखिए सामने बछड़े जा रहे हैं मंडी में, क्योंकि परसों ईद है ना, जिसने बेचने हैं ना वो सारे लेके जा रहे हैं मंडी। जितना माल इस बार मंडी में आ गया ना, मुझे नहीं लगता कि सारा बिकेगा। इस ट्रक के अंदर भी मज्जे और कट्टे हैं। ये भी सेल होने के लिए जा रहा है माशाल्लाह। सियालकोट हम लोग पहुंच गए हैं, अभी सीधा जाएंगे मंडी और वहां से जाके बकरा लेंगे इंशाल्लाह। हम लोग मंडी पहुंच गए हैं और इधर कुकी भी है और कुकी के पापा भी हैं। उम्र भी ओंड है माशाल्लाह। ये भी बच्चा इधर सेल होने के लिए आया, और इधर भी बच्चे ही है, इधर सारे बच्चे ही बच्चे ने, अभी बच्चा तू भी बच्चा तू बच्चा बड़ा तू बड़ा। दो बंदे और आ गए हैं जी, ये रहे भुजान बकरा देख रहे हैं जी। ये बकरा पसंद आया है और इसका 85,000 मांग रहे हैं, अबू जान ने 50 का है, लेकिन बात नहीं बन रही। कट्टे भी आए जब भी माशाल्लाह।
इस बकरे का 1,15,000 मांगा है और अबू जान नजर ही नहीं आए। अबू जी होरी तो दौड़ गए ने तू राजनपुरी ले ले जे भाई हुन बोड़ी वेखण दे ने इस बकरे का 1,05,000 मांगा माशाल्लाह। बकरा प्यारा है पर रेट भी प्यारा है। रेट चेक करते करते चलते जा रहे हैं आगे आगे रेट ही बहुत हाई है यार इधर मंडी में। वो पहला वाला लेना चंगा थी। हाँ उन्हें 85,000 मंगया है। 60,000 दे लब जाना। 60,000 दे लब जाना है। जो है ले लो फिर। उमर भाई को उमर भाई की बेगम मिल गई जी मंडी में ही कर रहे हैं। सलाम बच्चा 2,25,000 दाना 700 माशाल्लाह बच्चा सोना है इंशाल्लाह सारी दुआवां तेरे नाल ने बेच के जाओगे इंशाल्लाह उमर भाई आपकी बेगम बहुत उमतरी है। बोलती नहीं वो ये भी भाई हैं आपके। उमर भाई आपकी उमर भाई आपकी बेगम आपको छोड़ के चली गई है। इसने मुझे धोखा दे दिया ये किसी और के जंगूल में फंस गई है। ये पैसों के लालच में मेरे पास भी बहुत पैसा था किधर चले गई हो। मेरा बचपन का प्यार है ये भाई इधर हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं माशाल्लाह। की हाल चाल ठीक ठाक हो तुसी सुनाओ। असी ठीक है बच्चे लैन आए हो कि बेचन आए हो। लैन आए सही हो गया। ला वे बोर योंदे सब तो पहला सारे ग्रोह दे विच एक बकरा वेंदे ने फिर ओंदे उनू फड़ लेंदे ने काबू कर लेंदे ने दोंदा है चोगा। ये बकरा माशाल्लाह प्यारा था अबू जान को पसंद भी आया था लेकिन इसका 1,30,000 मांगा उन्होंने। इनू को पुछते नहीं प्या बेचारे मेरे वर्गे ने माशाल्लाह बकरे देखो किड़े जवान ने किड़े सोने बकरे ने माशाल्लाह। फाइनली ये वाला बकरा ओके हो गया 58,000 रुपए का माशाल्लाह जी बकरा सोना है प्यारा भी है माशाल्लाह। अबू जान पैसे गिन रहे हैं जो बकरे के देने हैं ना वो नवे नोट दे रहे लगे हो। हम लोग गाड़ी गाड़ी करके ना तकरीबन 3-4 किलोमीटर पैदल चलते हुए आगे चले गए तो बकरा ढूंढते अभी बकरे को गाड़ी के पास लेके जा रहे हैं। नाश्ता है बकरे को बाइक में बैठा दिया है अभी मावी और कुकी लेके जा रहे हैं बकरे को घर। जान दियो जी राजा अभी रास्ते में रुके हैं रोटी खाने के लिए भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है रोटी खा के फिर घर चलेंगे। अभी यहाँ से हम लोग खाने लगे हैं टिक्का बोटी बिस्मिल्लाह। बकरे को राजे के अंदर रख लिया बाइक पे लेके जाना ना इसको बड़ा मुश्किल है तो इसको राजे के अंदर रख दिया है। ठीक है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। कट बार इन कट 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 आंदे अल्हम्दुलिल्लाह जी बकरा लेके घर आ गए हैं। बकरा लेकर हम लोग घर आ गए हैं तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके जरूर बताएं मजा आया कि नहीं आया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।